बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक आवर चैनल। आज हम आपको एक ऐसी वर्जिश के बारे में बताएंगे कि अगर आप उसको रोज़ाना करते हैं तो वो आपको मर्दाना कमजोरी का शिकार बना सकती है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल की हर नई वीडियो आप तक जब पहुँचती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नासरीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर रोज़ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं, तो आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी वर्जिश के बारे में बताएंगे कि अगर मर्द हजरात उसको रोज़ाना करेंगे तो वो उससे मर्दाना कमजोरी का शिकार हो सकते हैं। साइकिलिंग एक बेहतरीन वर्जिश की समझी जाती है और वजन कम करने के ख्वाहिशमंद हजरात मर्द हों चाहे ख़वातीन हों बाकायदगी के साथ साइकिलिंग करते हैं। लेकिन अब साइंसदानों ने इस वर्जिश के हवाले से मर्दों को खबरदार कर दिया है कि साइकिलिंग की जो वर्जिश है ये मर्दों को मर्दाना कमजोरी का शिकार बना सकती है। यही इसके बारे में एक तहकीक बरतानवी अखबार दी मेट्रो की रिपोर्ट के मुताबिक भी साइंसदानों ने मर्दों को मतनबे किया है कि वो साइकिलिंग की वर्जिश से बाज आ जाएँ और इसको अपना रोजाना का मामूल ना बनाएँ, क्योंकि इससे जो मर्दाना कमजोरी है वो बढ़ती है। साइंसदानों का कहना है कि साइकिलिंग से टांगों के दरमियान मखसूस हिस्से पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है जो मर्दों को मखसूस कमजोरी के मसले से दो चार कर सकता है। चुनाचे मर्दों को साइकिलिंग से गुरेज करना चाहिए बल्कि इसके अलावा वर्जिश के दीगर तरीके इख्तियार करने चाहिए। नासरीन इकराम, अगर आपको इसमें से किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट जरूर करें, इंशाल्लाह आपको जरूर जवाब देंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।